स्वागत है आपके अपने चैनल दिल्ली व्लॉग्स में, और वो भी बहुत दिनों बाद। और उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होगे और जिंदगी के मजे ले रहे होगे। यहाँ पर इतने दिन के गैप लिया गया है और उसके अंदर क्या क्या करा गया है मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए कंटेंट ढूंढा गया है कि आपके लिए क्या क्या ला सकते हैं, और शुरुआत हो जाती है आज से अपने मजेदार कॉन्टेंट की। और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे चार फेस किस मॉडल के अंदर होने वाली है। अंदाजा लगाइए जब तक मैं आपको नहीं बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा, क्वालिटी के साथ साथ इसके अंदर कितने वाट के स्पीकर लगाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बेस कौन कौन भाई अपने यूज कर सकते हैं, किस किस इवेंट के अंदर ये बेस यूज होती है, सारी चीजें पता करेंगे। चलिए चालू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं बेस कौन से मॉडल के अंदर होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है सिंगल की बेस, और सिंगल की बेस ज्यादातर यूज होती है अपनी पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों के ऊपर क्यों यूज होती है, क्योंकि वहां पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी कमी है, कमी कह सकते हैं एक तरीके से। जब पहाड़ की चढ़ाई होती है उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, और अकेले ही पैदल ही चढ़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर बेस के साथ चलोगे तो काफी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ये बेस जा रही है अपनी देहरादून के अंदर, और देहरादून में अपने सौरभ भाई हैं जिन्होंने ये चार बेस बुक करी है। और कितने वाट के स्पीकर के अंदर है, कैबिनेट की क्या क्वालिटी है, आइए आगे देख लेते हैं। और जो जो बात होंगी साथ में देखकर बात करेंगे इस कैबिनेट के ऊपर। और आज हम बात करेंगे अपनी टी बेस के बारे में, टी बेस के अंदर स्पीकर कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले शुरुआत करते हैं अपनी कैबिनेट से कि कैबिनेट की क्वालिटी कैसी रखी गई है हमने अपने सेटअप के अंदर। तो आइए मेरे पास सबसे पहले एक पन्नी को उठा लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं पेंट की क्वालिटी, क्योंकि जब कोई आपका सामान देखता है तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है पेंट। पेंट की फिनिशिंग अच्छी होगी तो सामान अपना दूर से ही अच्छा दिखेगा आपको। और आइए एक बार मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेंट ग्लो मार रहा है, शाइन पेंट अपना होने वाला है, जैसे कि आप दाने देख सकते हैं। और जब इस पर हाथ रगड़ रहे हैं तो काफी सॉफ्ट पेंट, स्क्रैचलेस भी कहा जा सकता है। थोड़ी बहुत बारिश में भी आप इसको यूज करेंगे, बारिश में यूज करने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर बाय चांस आप बारिश आ रही और थोड़ा बहुत ये रखा रह गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम इसके ऊपर नहीं आएगी। तो इसकी पन्नी हटा देते हैं। यहाँ पर अगर इसका बैक लुक देखा जाए तो बैक लुक अपना कुछ ऐसा होने वाला है। और आप मेरे पास जाइए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एलिंकी का यूज ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी लग जाती है बैक प्लेट, और बैक प्लेट के साथ साथ अगर हम साइड की बात करें इधर की साइड अपना हैंडल आ जाता है, और हैंडल है अपना स्टार लुक के अंदर, जिसके अंदर यूज करी गई अपनी सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन से ही ऐसी फिनिशिंग आ पाती है, अगर सीएनसी मशीन नहीं यूज करते तो आड़ा टेढ़ा बनती है जो चीजें होती हैं, और हम जब काम करते हैं तो फिनिशिंग में ही अच्छा लगता है। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट की चीज आपके लिए सामने रखी हुई है जो इसकी ग्रिल होने वाली है। ग्रिल है अपनी 16 गेज के अंदर, और पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न होने वाला अपना हनी बी पैटर्न टाइप के अंदर। ग्रिल खोलकर अगर क्वालिटी देखें वो भी कर लेते हैं, आइए इसको अपना खोल लेते हैं ग्रिल को और देखते हैं अपने अंदर की क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर अगर अपनी सिंगल की बेस है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काम नहीं करा जाता, काम उसके अंदर उतना ही करा जाता है जितना डबल की बेस में करा जाता है। डबल की बेस के हिसाब से, सिंगल की बेस का सिंगल की बेस के हिसाब से। यहाँ पर अगर देखें अपनी जो बेस देख रहे हैं आप, ये टी बेस कहा जाता है इसको, जो मॉडल होता है टी बेस। इसके अंदर स्पीकर लगता है अपना रिवर्स के अंदर। आप मेरे पास आइए, अंदर जाली खोलकर मैं आपको एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अंदर का स्ट्रक्चर होने वाला है, कटिंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये अपनी 18 इंची स्पीकर की कटिंग। इस बेस के अंदर आप 18 इंची स्पीकर के अंदर 1000 वाट से लेकर 1500 वाट तक का स्पीकर आराम से लगा सकते हैं। और अगर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैबिनेट इससे भी अच्छी लेंगे, तो 2500 वाट से लेकर 3000 वाट का भी आप स्पीकर कैबिनेट के अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें अंदर की फिनिशिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अंदर का जो सपोर्ट है, और जो सपोर्ट के लिए लाइट निकल के आ रही है ना आपको, ये इस फोन से आ रही है, इसके साथ आपको ये फोन नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंदर जो ये चीज आप लकड़ी देख रहे हैं इसको कहते हैं सपोर्ट, और यहाँ पर ये प्लाई जो देख रहे हैं ये प्लाई है, और ये प्लाई किस चीज के लिए होती है, ये प्लाई अपनी होती है हैंडल के लिए। पर हमने जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर से जो हमने हैंडल की कटिंग ली है वो बेस के अंदर से ही ली है, और ऐसा क्यों है, ये तो अपने 1000 वाट के स्पीकर लगेंगे इस बेस के अंदर, लेकिन जब आप अपनी 2000 वाट से लेकर 2500 वाट तक की बेस बनवाते हैं तो कोशिश करना कि अपने जो हैंडल है वो लकड़ी के अंदर ही हो। और अपने अंदर लोहे के अगर लेते हैं, मेटल के अंदर हैंडल लेते हैं, तो उनका ये रहता है कि 4-5 साल के अंदर वो ढीले पड़ जाते हैं, और जब हम बेस प्ले करते हैं एक तरीके से बेस को बजाते हैं तो बजने लगते हैं। और बजने के साथ साथ यहाँ पर इस लकड़ी के हैंडल का फायदा क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको
पकड़ के उठाओगे तो कोई चांस नहीं है कि अपना हैंडल बाहर निकल के आ जाए। और जब अपने बेस को उठाते हैं उसके अंदर मेटल के अंदर, तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि ये निकल आए, कुछ भी एक तरीके से 1% चांस कह सकते हैं। और अब आइए एक बार दोबारा चलते हैं अपना अंदर। यहाँ पर अगर देखें अपनी क्वालिटी प्लाई को, आप देख रहे हैं इसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर लगेगा अपना स्पीकर, तो इसको सपोर्ट देने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर ये सपोर्ट आपको मिलने वाली है। और इसके सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर अपनी एलंकी होने वाली है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होने वाली है अपनी एलंकी, जो होने वाली है एल पत्ती के अंदर। दोनों प्लाई को अपना ऐसे पकड़ रखा है कि इसको आप नहीं निकाल सकते, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि अपना स्पीकर कैसे लगेगा, एक बार मैं समझा रहा हूं, आप समझ जाइए। जो अपनी मैग्नेट होगी वो मैग्नेट आएगी बाहर की तरफ, और यहाँ पर अपना स्पीकर लगेगा ऐसे। जो उसका पेपर कोन और उसकी डस्ट कैप होगी वो इधर की साइड लगेगी, और मैग्नेट आएगी इधर की साइड। और अपना एक तरीके से इसमें से प्रेशर कहां को निकलेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर पेपर कोन है तो प्रेशर जाएगा इधर से टकरा के ये नीचे से निकल कर आएगा, और सामने को आपको ये बेस प्रेशर मारेगी। और ये बेस, इसकी एक खासियत कह लीजिए कि ये बेस सिर्फ सामने ही सामने प्रेशर मारती है, पीछे बिल्कुल भी इसका प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज हम अपनी जब कैबिनेट के अंदर स्पीकर लगाएंगे जब देखेंगे। ऐसा करते हैं, हमारे पास है चार बेस, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर चार बेस रखी गई है। तो चार के अंदर ऐसा करते हैं, 2 के अंदर स्पीकर लगाते हैं अपना जैसे नॉर्मल बेस के अंदर लगाते हैं, और 2 बेस के अंदर लगाते हैं रिवर्स करके, और दोनों बेसों की टेस्टिंग में देखते हैं कितना फर्क आता है कि बेस अपना प्रेशर कैसे निकाल के देती है। तो हमें भी तो पता चले कि रिस्पॉन्स किससे अच्छा निकल कर आता है। क्या कह रहे हो, स्पीकर भी दिखा दूं? तो स्पीकर जो इसके अंदर लगेगा मैं आपको बता देता हूं कौन सा लगने वाला है। इसके अंदर हेलो ऑडियो का अपना 1000 वाट स्पीकर लगा है, और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर RCF का स्पीकर लगाना, JBL का स्पीकर लगाना, जो आपके मन के अंदर कंपनी है उस कंपनी के अंदर स्पीकर लगाना, तो वो भी लगवा सकते हैं। लेकिन बात जाके अटकती है अपने बजट के ऊपर कि बजट आपका कितना है। अगर आप एक तरीके से दूध में जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाता है, ऐसे ही अपना इस लाइन के अंदर है। आप जितनी चीनी डालोगे, जितना पैसा डालोगे, वैसे ही आपको चीज मिल जाएगी उसी हिसाब से। यहाँ पर जितना पैसा डाला अपने सौरभ भाई ने, उस हिसाब से भाई को हमने सोचा कि चीज उससे भी भरकर दी जाए, तो उसी हिसाब से भाई को चीज दी जा रही है, जिसके अंदर है हेलो ऑडियो का 1000 वाट का स्पीकर। एक बार आइए मैं आपको स्पीकर दिखा देता हूँ कि अपना स्पीकर कैसे होने वाला है। यहाँ पर ये इसका फ्रेम होने वाला है, और ये है इसकी मैग्नेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर इसके फ्रंट की बात करी जाए तो फ्रंट में पेपर कोन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर पेपर कोन की क्वालिटी देखें तो क्वालिटी भी अपनी बेस्ट होने वाली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है अपनी डस्ट कैप, और डस्ट कैप के बाद अपनी बात आ जाती है, स्पीकर भी देख लिया, कैबिनेट भी देख ली, और अब देखते हैं टेस्टिंग। और टेस्टिंग के पहले हमको इसको लगाना पड़ेगा अपनी कैबिनेट के अंदर, और कैबिनेट के अंदर हम लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो 2 बेस एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे चारों बेसों को टेस्ट। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे कहा वैसे ही मैं इसके अंदर फिट करूंगा, और आपको मैं एक बार दिखाऊंगा अभी जब फिट कर रहा हूँ ना कि फिटिंग इस स्पीकर की कैसे करी। तो अपनी कैबिनेट को उतार लेते हैं, चारों को लगा लेते हैं अच्छे से, और एक बार कर लेते हैं स्पीकर को फिट, और अब मिलेंगे आपको वीडियो में आगे। तो यहाँ पर हमने जो सोचा था वो चीज कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि आपको 1 और 2 बेस की जाली नहीं दिख रही, और दोनों बेस अपनी अलग अलग हैं। एक बार आप मेरे पास आइए, यहाँ पर जो इस बेस के अंदर स्पीकर लगाया है वो कुछ इस तरीके से लगाया गया है, और जो असली तरीके से एक तरीके से जो इस बेस के अंदर स्पीकर लगाने का तरीका होता है वो होता है ऐसे। एक इधर आइए, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये रिवर्स की बेस है, टी बेस के अंदर जो स्पीकर लगाया जाता है वो कुछ ऐसे लगाया जाता है। यहाँ पर से आपके स्क्रू टाइट होंगे बेस के, और यहाँ पर ये स्पीकर कुछ ऐसे तरीके से लगेगा। वो तो हमने अपना एक तरीके से पर्सनल यूज के लिए मान सकते हैं कि देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आता है, वो उसके लिए लगाया था। और यहाँ पर पूरे कैबिनेट के अंदर स्पीकर लगा चुके हैं चारों के अंदर। 2 की जाली इसलिए खोल दी कि आपको रिस्पॉन्स पता चले, और इसके अंदर 1-2 सॉन्ग में मैं HF भी रख दूंगा, और HF के संग देखेंगे टेस्टिंग। लेकिन उससे पहले हम इस ओनली बेस की टेस्टिंग देखेंगे, और इस टेस्टिंग के अंदर आपको मैं एक तरीके से मैं बताऊं, 2 बेस नीचे आपकी ये रिवर्स के अंदर स्पीकर है, और 2 बेस आपके ऊपर कुछ इस तरीके से स्पीकर है। इसके अंदर टेस्टिंग के अंदर मैं आपको ओनली 2 बेस ये वाली चलाकर भी दिखाऊंगा, और ओनली 2 बेस ये वाली भी चलाकर दिखाऊंगा। आप कमेंट में मेरे को एक बार जरूर बताना कि आपको कौन सी बेस ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा लगा। और यहाँ पर जो हमने एम्पलीफायर यूज करा है, ये हम पर्सनली यूज करते हैं, एक तरीके से QD ऑडियो का RX 4000, 1000 वाट के स्पीकर है, 4000 वाट का अपना एम्पलीफायर है, तो इसको यूज कर लिया हमने। ये एम्पलीफायर दिया नहीं है, दिया कोई और एम्पलीफायर है। अगर आपको इस सेटअप की पूरी जानकारी चाहिए
कि सेटअप के अंदर क्या क्या दिया अपने सौरभ भाई को, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दे रखा है और आपको आगे प्राइस का आइडिया मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। और अब आप इसकी देख लीजिए टेस्टिंग, और अब मिलेंगे आपको टेस्टिंग के बाद। जीत ही लिया, और मेरे को ये भी पता चल गया कि इन दोनों बेस में से रिस्पांस किस बेस का ज्यादा अच्छा आया। लेकिन मैं क्यों बताऊं, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए ना। तो आपको मैंने टेस्टिंग दिखा दी है, टेस्टिंग देखकर कमेंट में मेरे को एक बार जरूर बताना कि दोनों बेस में से आपका कौन सा रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा बेस ने करा है। और अब यहाँ पर टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अब बात आ जाती है कि इसके प्राइस की। तो प्राइस का आइडिया मैं आपको इसके कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसके प्राइस का आइडिया मिल जाएगा। बट अगर आपको इसके अंदर अपने तरीके से स्पीकर फिट करवाने हैं, जैसे ये तो थे 1000 वाट के अंदर, आपको चाहिए 1200 वाट के अंदर, 1500 वाट के अंदर, तो वो चीज कॉल पर ही डिस्कस हो पाती है। और आपको जो नंबर है ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर आप प्राइस भी पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेरी हो आपके मन के अंदर कि आपको कुछ और भी चीज पता करनी हो तो उस पर आप आराम से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने 4 बेस की टेस्टिंग देखी, और टेस्टिंग दिल खुश कर दिया मेरा तो। और आपको कैसी लगी जरूर बताना। अब वीडियो को करते हैं खत्म यहीं पर, और अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में किस सेटअप के साथ। अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगा 2 बेस 2 टॉप के सेटअप के साथ, और 2 बेस रहेंगे अपनी यही वाली सेम बेस, और 2 टॉप रहेंगे अपने जिस मॉडल के अंदर हमारे को उस दिन देखा जाएगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये जो सेटअप होगा 2 टॉप 2 बेस का, वो बजट फ्रेंडली सेटअप लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, और एक तरीके से उसका इतना बजट रखेंगे कि आराम से आप में से जो भाई खरीदना चाहते हो वो परचेस कर सके, और क्वालिटी आपको जब ही पता चलेगी। अब करते हैं इस वीडियो का एंड, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।